दोस्तों, नागमणि एक इच्छाधरी नागिन को बहुत ही शक्तिशाली बना देती है, परंतु कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियां पाती है, परंतु वो शक्तियां सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक ही उनके पास होती हैं। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज उठा सकती है। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। ऐसे में दोस्तों, जरा सोचिए कि इस नागमणि में कितनी शक्तियां होंगी, और अगर ये किसी इंसान के हाथ लग जाए तो वो इंसान बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा, जिससे वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन दोस्तों, नागमणि को साधारण इंसान हासिल नहीं कर सकता, ये केवल इच्छाधारी नाग नागिन को कठिन तपस्या के बाद महादेव से प्राप्त होती है। क्योंकि नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं और उनकी हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से भगवान शिव खुश होकर उन्हें नागमणि देते हैं, जिन्हें इच्छाधारी नाग नागिन को संभाल कर रखना होता है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई नागमणि चालाकी से चुरा ले तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों, तब क्या हुआ जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, और व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने उसके साथ जो किया सुनकर लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कहरगढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई कहरगढ़ के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान मानव जी के साथ। मानव करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वे अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते। एक दिन बकरी चराते चराते वे जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वह नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और मानव जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। मानव इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु दोस्तों उस रात उसके ध्यान में वो जो चीज चमक रही थी बार बार आ रही थी। वह इतना तो समझ गया था कि हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु दोस्तों, सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वे वापस जंगल में उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वह उस रात घर आकर सोचने लगा कि अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब मानव हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से मानव ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी, बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का कोई ठिकाना न रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी। उसने मानव से बदला लेने की ठानी, परंतु दोस्तों मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर मानव को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि वो जो भी धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ ही मिल रहा था, और मानव को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नाग मणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। मानव के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता मानव के लिए उसके पास ही के गांव से आया और सीता नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हो गया। सीता अपने पति मानव को बहुत प्यार करती थी, बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर रोहित नाम से मानव के यहाँ उसका मुंशी बन गया और मानव का विश्वास जीतने लगा। मानव भी रोहित के व्यवहार और वफादारी को देखकर बहुत ही खुश था
और उसे अपने भाई समान ही मानने लगा था। एक दिन सीता अपने पति मानव के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन मानव की खुशी का ठिकाना न रहा। उस दिन वह खुद अपने मुंशी रोहित के पास गया और बोला कि देखो रोहित, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से मुझे तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं। और वो अपनी पत्नी और रोहित को कार में बैठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वह छोटा था तब इस कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे, तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफन कर दिया था और मानव को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। मानव बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इस कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। मानव आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखें भर आती हैं। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े से पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण मानव तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी सीता पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। रोहित अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। मानव रोहित को देखकर चौंक जाता है क्योंकि रोहित अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन मानव को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वह भी इसी स्थिति में फंसी थी जब मानव ने उसका पूरा घर संसार उससे लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है। मानव घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु दोस्तों, तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने मानव का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और सीता को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब मानव हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर जाता है कि फिर पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।